आप सब लोगों को हमारे साल की राज्य की जानकारी होगी और इस हफ्ते हमने अपने माता पिता के घर को हमें अच्छा लगा कि भगवान के दर्शन कर ली जाए, उनसे भी आशीर्वाद ली जाए और आज प्रक्रिया के तहत हम लोग अपना परिवार गंगा आरती में शामिल हुए हैं और ये बहुत खुशी अनुभव इससे पहले भी मैं यहाँ आया आम व्यक्ति की तरह भी आया हूँ, एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी आया हूँ और एक राज्य के नेतृत्व के पात्र के रूप में और मुझे लगता है कि आने वाला समय में भी ये जुड़ाव बना रहेगा। और झारखंड और देश के लिए क्या मांगा है आज माँ गंगा से आप आए हैं, क्या मांगा है आपने, कुछ तो कामना की होगी। यहाँ जो भी चीज़ें हैं सबको मुझे जानकारी है, अब उनसे मांगना क्या, जो मैं समझता हूँ उनका दिया हुआ है उन्हें ही हम बेहतर तरीके से संभाल लें, यही एक बहुत बड़ी चीज़ है। कल दिल्ली में वोटिंग होने वाली है और ऐसे में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी? मुख्यमंत्री जी कल दिल्ली में वोटिंग होने वाली है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? जलवायु परिवर्तन को लेकर और हमारे विकास लक्ष्यों को लेकर जिस तरीके से विभिन्न नदियों के ऊपर जो नीचे कर सुनो नदियों में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन समस्याओं को संरक्षित करना भी सामाजिक रूप से हमारी भी दायित्व है और बतौर सरकार के रूप में उसको संरक्षित करना भी दायित्व है। सर ये अच्छी बात है, यहाँ आज गंगा जी का कुछ हिस्सा हमारे राज्य से भी गुजरता है और गंगा जी गुजरती हुई पूरे देश के विभिन्न राज्यों से गुजरती है, ये गौरव की बात है। ये अपनी एक अदृश्य शक्ति के बदौलत हमने देश को बाजी ली है, उसी का आसना है, उसी का परिणाम है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ दिल्ली में कल चुनाव वोटिंग होने वाली मुख्यमंत्री जी। मैं तो मुझे पहुंचने में रात हुई है, मैं तो गंगरे में देख नहीं पाया हूँ और मुझे मौका मिलेगा तो इसी समय दिल्ली में वोटिंग होने वाली है, ऐसे में क्या लगता है कल दिल्ली में वोटिंग होने वाली है तो ऐसे में क्या लगता है किसकी सरकार दिल्ली में वोटिंग होने वाली है? कल चुनाव है तो क्या लग रहा है किस तरफ करवट बैठेगा? मैं भविष्यवाणी करता तो हूँ, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ और दिल्ली में वैसे हम चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं लेकिन हाँ जरूर है, खबरों को देखते हैं और इस विषय पर तो आप इसका निर्णय कल मतदाता ही करेंगे बताया जाएगा। साइन बाग को लेकर बीजेपी कह रही है कि विपक्ष का ये एजेंडा है और इसको लेकर वो लगातार चुनाव की वजह से वो विरोध प्रदर्शन इस तरीके से करा रहे हैं, क्या लगता है? देखिए मैं यहाँ राजनीतिक दौरे पर नहीं हूँ और मैं इस तरीके के किसी विषय को जाने चाहता हूँ, आप ये कोई उचित जगह भी है इस बात को रखना, कोई और दूसरा झारखंड लागू करेगा
अभी तो हम लोग केंद्रीय सरकार में है, अभी हमारे समक्ष के आधिकारिक रूप से चीजें आएंगी, चीजों को देखा जाएगा, समझा जाएगा। उसके पश्चात सर बहुत बड़ी आबादी आदिवासियों की झारखंड में है, माना जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि एनआरसी या सीए से बहुत ज़्यादा प्रभाव उनको पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और उनका आइडेंटिटी नहीं है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। तो झारखंड सरकार इसको लेकर क्या कर रही है, इसको लेकर कुछ प्लानिंग है आगे, इसको लागू नहीं होने देंगे या कुछ करेंगे? अब फिर उसी जगह पर हम लोग आ गए सवालों को, मुझे लगता है कि अभी हमें छोड़ दिया गया, हम उसके लिए निश्चित प्लेटफॉर्म पर एक निश्चित प्लेटफॉर्म पर जरूरी है। Thank you.
Thank you.